दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर के नाम से फेमस यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बौद्ध मंदिर के हिस्ट्री को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यह एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है, यह मंदिर सालों तक ज्वालामुखी की राख और जंगलों के बीच में ढका हुआ था। इस मंदिर को 1970 के दशक में यूनेस्को की मदद से रीस्टोर किया गया था। यह मंदिर तीर्थयात्रियों और एडवेंचर्स लवर्स के बीच समान रूप से फेमस है। इंडोनेशिया में प्राचीन मंदिरों को चंडी के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए बोरोबुदुर मंदिर को भी कई बार चंडी बोरोबुदुर भी कहा जाता है। इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा और महानतम बौद्ध मंदिर माना जाता है। यह मंदिर खोजे जाने के पहले कई वर्षों तक ज्वालामुखी राख के नीचे दबा रहा था। सालों तक राख और जंगलों के बीच छुपे हुए इस मंदिर की खोज एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सन 1814 में की थी। थॉमस रैफल्स को इस मंदिर को जमीन से बाहर निकालने का काम सौंपा गया था। वर्ष 1834 में इस मंदिर को पूरी तरह से जमीन से बाहर निकाल लिया गया और साल 1842 में इसके प्रमुख स्तूप को खोजा गया था और साल 1973 में इस मंदिर के रीस्टोरेशन में यूनेस्को ने मदद किया था। यूनेस्को ने मंदिर के रीस्टोरेशन में फाइनेंशियली मदद की थी, जिसके बाद बोरोबुदुर मंदिर का फिर से पूजा स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में उपयोग किए जाने लगा। जिसके बाद बोरोबुदुर मंदिर को फिर से पूजा स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में उपयोग किया जाने लगा। साल में एक बार मई या जून में पूर्णिमा को इंडोनेशिया के बौद्ध नागरिक यहाँ पूजा पाठ करते हैं। इस दिन को इंडोनेशिया में बौद्ध गौतम के जन्म, निधन और बुद्ध सुक्यामुनि के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में वैशाख के तौर पर मनाते हैं। यह दिन इंडोनेशिया में नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बोरोबुदुर मंदिर का हिस्ट्री। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।